हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता कुकिंग चैनल। और मैं हूँ सुष्मिता। आज हम बनाने वाले इंस्टेंट आटा डोसा, और 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। साथ में मैं आपको इसका मसाला भी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसके लिए मसाला का तैयारी करेंगे। एक पैन गर्म करके उसके अंदर हमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 1 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल देना है। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते, और इन चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए तब हमें इसके अंदर डाल देना है 2 ग्रीन चिल्ली जिसे मैंने काट लिया है लंबा, और इसके अंदर डाल देंगे प्याज जिसे मैंने स्लाइस करके काट लिया है। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का इसके ऊपर एक पिंकिश कलर आ जाए बस उसी टाइम हमें इसके अंदर ऐड कर देना है हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि पहले हमने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड किया था इसीलिए रेड चिली पाउडर हम थोड़ा सा कम डालेंगे। इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना है बॉयल किया हुआ आलू, और यहाँ पे मैंने 2 बड़ा साइज़ का आलू लिया है और इसे मैंने हाथ से तोड़ लिया है। इसे आप एकदम मैश भी नहीं कीजिए और ग्रेट भी नहीं करना है, हाथ से तोड़ के इसे इसके अंदर डाल देना है, और मसाला के साथ हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिलाते हुए हमें आलू को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी एकदम थोड़ा सा ऐड करना है, आप इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें आलू का पानी सूखा लेना है, आलू एकदम सूख जाएगा और अच्छे से फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं हमारा आलू भी रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया को मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया डालने के बाद इसे हमें एक बार अच्छी तरह से मिला देना है। और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे, और बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल ले लेना है, और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप आटा, 2 बड़े चम्मच सूजी, ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 टीस्पून, और साथ में हम 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम इसे पानी की मदद से अच्छी तरह से एक बैटर, पतला बैटर तैयार कर लेंगे, लम्स फ्री। पानी आप पहले धीरे धीरे दीजिए, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैं इसका एक पतला बैटर बना लूंगी। अच्छी तरह से मिला लेना है इसे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है, और ये लम्स फ्री होना चाहिए एकदम, इसमें कोई लम्स हमें नहीं चाहिए। और इसे आप अच्छी तरह से इसलिए मिला लीजिए, और हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक तवा गरम कर लेंगे। आप अगर नॉन स्टिक तवा यूज़ नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई तवा यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा तेल पहले लगा के ब्रश कर लीजिए। अगर नॉन स्टिक वाला यूज़ कर रहे हो तो तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पहले इसे एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम तवा के ऊपर डाल के अच्छी तरह से फैला देंगे जितना पतला हो सके। तो इसी तरह से चम्मच के पीछे की पार्ट से इसे आपको बहुत ही पतला बनाना है, ज़्यादा मोटा आप नहीं कीजिएगा। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे एक साइड से होने देंगे। पक जाएगा तो हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है, और तेल डालने के बाद हम इसे कुछ देर छोड़ देंगे ऐसे ही मीडियम हीट पे। और तेल डालने के बाद ये जब पक जाता है अपने आप ही अपना साइड छोड़ देता है, और आप देख सकते हैं
इसी तरह से मैं इसे पलट कर आपको दिखा रही हूँ इसका ऊपर का हिस्सा कितना क्रिस्पी बना है। और आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर का पार्ट कितना क्रिस्पी बना है। अब हम फिर से इसे पलट देंगे और इसके अंदर स्टफ कर देंगे हमारा जो मसाला आलू है उसे। आलू को हम धीरे धीरे डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसे रोल कर लेंगे। हमारा डोसा बनके रेडी हो चुका है। इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह के चटनी के साथ। आप अगर चाहे तो इसका आलू भी नहीं बना के ऐसे बना के आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।